आखिर कब तक हमें अपने इंतजार का प्रतिफल नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा जरूर आता है जिस समय पर हमें वो सब कुछ प्राप्त होता है जो शायद कभी हमने अपने सपनों में देखा था, अपने जीवन को हमने जिया था। आज एक ऐसा ही सुखद वातावरण बना हुआ है भगवान की ही कृपा से। अब ये समझिए कि इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। वो कौन से ग्रह संयोग हैं, इसी बात को जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मिल करके समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन से सुखद संभावनाएं हैं जो आपके जीवन को इतना ज़्यादा लाभान्वित करा जाए। एक एक बातों को समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। ये जब वीडियो हम बना रहे थे, ये अक्टूबर का राशिफल जब आपके लिए मीन राशि के लिए, तब हमने देखा कि इतने सारे ग्रह संयोग बने हुए हैं, इतना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, तो किसी एक बड़े ऑफर से कम नहीं हो सकता। माना जाता है कि जासो कृपा सो दयाल, जिस पर ऊपर वाले की कृपा होती है, शायद उसी कारण से ऐसा संयोग होता है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण से। यही भगवान सूर्य नारायण आपके जीवन पर छठे भाव पर ये अभी वर्तमान चल रहे हैं। 17 अक्टूबर तक का वो समय होगा जिस समय तक ये आपके ठीक आपके सप्तम भाव पर ही ये विराजमान होंगे, 6 नंबर की राशि पर बैठे हैं। और यही नहीं, इनके साथ में स्वयं मंगलदेव और बुधदेव भी विराजमान हैं। माना जाता है ये तीनों ग्रह इतने परिपूर्णता से युक्त होते हैं कि ये तीन ग्रह इतने जहाँ पर विराजमान होते हैं उस भाव को जागृति प्रदान करते हैं। उस हिसाब से आपके व्यापार भाव में बैठे हैं, आपके दाम्पत्य स्थान पर बैठे हैं, और दशम भाव से दशम भाव होने के कारण आपके करियर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो भगवान सूर्य प्रकाशित ना करें। यही वो स्थान होता है जहाँ पर बुध आकर के एक राजकुमार माने गए हैं ग्रहों के, एक ऐसी कोई, और साथ में व्यापार के कारक भी बुध देवता होते हैं, इसलिए ऐसी कोई अनुभूति करा जाते हैं हमारे जीवन में जो शायद हमारे लिए कोई बहुत बेहतर परिणाम हमारा इंतजार कर रहा है। आप ये जानिए, आप ये समझिए। स्वयं मंगलदेव आपके तो भाई स्वयं आपके मीन राशि के जो सबसे अच्छे योग कारक ग्रहों में जिनकी गणना होती है यही मंगलदेव होते हैं, और यही मंगलदेव परिस्थितिवश ये भी भगवान सूर्य अर्थात अपने राजा के साथ समाहित है। इसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। ज्योतिष में तीन ग्रहों का जब एक संयुति होता है आपके व्यापार भाव आपके करियर भाव पर हो रहा है, इसलिए करियर से संबंधित कोई भी परेशानी हमारी है ये मानिए अक्टूबर का महीना बहुत अनुकूल होने जा रहा है। और यही नहीं, इन दोनों का साथ नहीं छूटने वाला, इन तीनों का साथ। और आगे चल के 17 अक्टूबर के बाद सूर्य देवता आपके अष्टम में चले जाएंगे और साथ ही साथ बुध मंगल भी पीछे पीछे चले जाएंगे। इसका मतलब पूरे अक्टूबर महीने तक इन तीन ग्रहों का प्रभाव आपके दुख आपके बाधा आपके परेशानी इन सब में परिवर्तन का संयोग बनाएगा, क्योंकि दुख बाधा परेशानी का स्थान ही होता है हमारा अष्टम भाव, और परिवर्तन भी यही भाव है। कैसे आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा आप स्वतः विचार कीजिए। मंगल हमारी ऊर्जा है, मंगल हमारी ताकत है। इस पूरे महीने आपकी ताकत आपकी ऊर्जा रहेगी, कैसे मैं अपने जीवन को अच्छा बना पाऊँ, कैसे मैं अपने बाधाओं से मुक्ति पर करा पाऊँ, और ये आपकी जो बाधाएं जो मुक्ति है जो है वो कब तक आखिर बनी रहेगी। एक समय ऐसा आ चुका है अक्टूबर का महीना जो शायद कुछ बहुत अच्छा परिवर्तनकारक यहाँ पर योग बना सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव हमारे परिवर्तन का भाव होता है। इस बात को कदापि मत भूलिएगा। अब समझते हैं हम देवगुरु बृहस्पति को। भाई आपके स्वयं अपने राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इनकी स्थिति अभी कहाँ बनी हुई है, ये देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके धन भाव पर ये इनकी स्थिति बनी हुई है, और ये 21 अप्रैल से आए हुए हैं, परंतु अभी इसी अक्टूबर महीने में, अभी पिछले महीने 4 सितंबर से आपने देखा था यही देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं। वक्री हो करके ये मीन राशि पर भी प्रभाव देंगे, मीन राशि पर मतलब कि आपके अपने शरीर पर भी प्रभाव देंगे। इसे एक बहुत सुंदर संयोग माना जाएगा। एक तो धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, मतलब इनके पास चेष्टा बल की वृद्धि हो गई, तीन गुना इनके अंदर पावर भी आ गया, एक बढ़ोतरी का वातावरण, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाएगा आपके राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। कोई भी किसी भी कार्य को लेकर के यदि हम धन संबंधी परेशानियों से ग्रसित हैं, यदि हमारा धन रिकवरी नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई बाधाएं बनी हुई हैं, समझिए कि देवगुरु बृहस्पति भी आपके साथ हैं। और यही नहीं, आपके लग्न पर भी उनका प्रभाव है। देखिए इस समय पर शारीरिक स्वास्थ्य में कोई बाधाएं हैं वो भी काफ़ी हद तक परिपूर्णता की ओर अग्रसित होते हैं, और मात्र ये अक्टूबर महीने ही नहीं पूरे के पूरे 31 दिसंबर तक का ये समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में होकर के आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे।
करेंगे। माना जाता है यदि लग्न हमारा प्रभावित हो जाए तो यही तो केंद्र स्थान है भाई, आपके अंदर स्वयं में एक सौंदर्य की अभिवृद्धि हो जाएगी और ज्ञान से परिपूर्ण तो मीन राशि के जातक इनके स्वामी ही गुरु बनते हैं, इसलिए ज्ञान की कोई आपके अंदर कमी नहीं होती। भावुकता से परिपूर्ण आपकी राशि होती है, इस कारण से सदैव दूसरों का यदि छोटी सी सामने वाले का कोई प्रॉब्लम देख लें आप स्वयं भावुक हो जाते हैं और उनके हित करने के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और वो वही कार्य आप करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप ये समझिए, आप ये जानिए, बात यहाँ सिर्फ समाप्त नहीं होती। देव गुरु बृहस्पति आपके 1, 2, 3, 4, 5 आपके छठे भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। ये स्थान हो गया आपके, आपके कर्म का स्थान हो गया, आपके नौकरी का स्थान हो गया। देव गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाती है। जब वो पवित्रता हमारे हमारे मेहनत के भाव पर आ जाएगा, जब वो पवित्रता हमारे जॉब के घर पर आ जाएगा, तो नौकरी में भी कोई अच्छे खासे परिवर्तन होते हुए आप देख सकते हैं। जिसके आप लायक हैं, जिसके आप वास्तव में हकदार हैं, वो हकदार के अनुसार आपको प्रतिफल भी जरूर प्राप्त होगा। अब इन्हीं देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि को देखते हैं, तो ये 5, 6, 7, 8, 9 इनकी नवम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर जा रही है। कैरियर भाव पर देव गुरु बृहस्पति का गंगा जल से एक छिड़काव हो गया समझिए, कैसे हमारे काम धंधे, हमारे परेशानियां अधिक लंबे समय तक अग्रसित हो सकते हैं, आप स्वतः विचार कीजिए। गुरु जहाँ पर होते हैं, आपने गुरु को देखा होगा पुराने समय पर, एक पर्ण कुटी बना करके गुरु रहते थे और वहाँ पर स्वयं तो रहते थे पर्णकुटी में, लेकिन एक राजा जब उनके द्वार पर आता था, राजा उनसे बहुत साम्राज्य और बहुत से आशीर्वाद लेकर के चला जाता था, उन्हें वो सब कुछ की प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन गुरु तो भाई गुरु हैं, वो अपने स्थान पर रहते हैं। जो दूसरों को के जीवन को प्रकाशित करके स्वयं अंधकार में रह जाए वही तो गुरु होता है, और यही गुरु देवता आपके कर्म भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। विदुर जी महाराज को आपने देखा होगा, दुर्योधन के घर को छोड़कर के विदुर जी महाराज ने पर्णकुटी का आश्रय लेकर के जंगल में निवास किया अपनी पत्नी सुलभा के साथ। उनके मन में ये आस्था था, एक विश्वास था कि एक दिन मेरे जीवन को, मेरे भाग्य को प्रकाशित करने के लिए भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण जरूर आएंगे, और इसी बात को समझते थे वो। हमेशा भगवान की, गोपाल कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी उनके घर पर, लड्डू गोपाल की पूजा करते थे, भगवान हे गोविंद हे नारायण करके उनकी आराधना करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारे और ये चले गए विदुर जी महाराज उनके दर्शन के लिए। लंबी लाइन लगी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को तो नहीं देख पाया, लेकिन विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और भगवान श्री कृष्ण का रथ आगे बढ़ गया। मन ही मन प्रार्थना किया कि हे गोविंद हे माधव, मेरे घर भी आप पधारिएगा, मेरे जीवन को भी आप तारिएगा। रात भर विदुर जी महाराज को घर पर आकर के नींद नहीं आई। सुलभा ने पूछा कि पतिदेव आप क्यों इतने बेचैन होते हैं, तो कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पा लिया है और इसी कारण से उनके मोहिनी मूरत को देख करके मैं आज इतना सबसे ज़्यादा मैं परेशान हूँ कि भगवान मुझे कब प्राप्त होंगे, कब मुझे दर्शन देंगे। अगले दिन सुबह क्या होता है कि सामने से द्वार पर खड़े होकर के एक कोई सामने से आकर के पुकार बैठते हैं कि चाचा जी, चाचा जी, चाची जी, आप हैं क्या घर पे। निकल करके बाहर देखते हैं तो साक्षात भगवान द्वारकाधीश उनके द्वार पर नजर आते हैं, दौड़ पड़ते हैं, भगवान के चरण पर गिर पड़ते हैं और कहे भगवान आपने मेरा विनय सुन लिया और आपने मेरे घर पर इस झोपड़ी में आप आए हैं भगवान। और तभी भगवान ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, तो कहे महाराज आपने क्या मेवा मिष्ठान नहीं खाया हस्तिनापुर में। भगवान ने कहा वो दुराचारी, दुर्योधन के घर में पानी तक नहीं पीऊँगा। इसीलिए कहा गया है कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, एक भाजी का टुकड़ा था उनके कढ़ाई पर उसे उठा करके भगवान ने पा लिया। कितनी प्रसन्नता मिली भगवान को, कहे इतना स्वाद मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। एक मुझे तो ऐसे हैं भगवान कृपालु हैं, कब तक उन्हें देर लगेगा, हमारे जीवन को बनाने के लिए वो सदैव बैठे हुए हैं। एक क्षण का हमें वो आश्रय चाहिए, एक क्षण की वो पुकार चाहिए, जिस दिन हमारे मन में वो आस्था आ जाए, वो पुकार आ जाए, उनको आने में विलंब नहीं लगता और हमारे काज को संवारने में एक क्षण का भी वो विलंब नहीं लगाते, वो आस्था हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी प्रकार से देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। अब हम चलते हैं
शुक्राचार्य जी महाराज के पास। शुक्रदेव वो ग्रह होते हैं जो आपके पराक्रम भाव के अधिपति होते हैं और शुक्र की स्थिति अभी आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। माना जाता है शुक्र की स्थिति जहाँ पर होती है वो भाव सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाता है, इसलिए इस समय पर जो प्रेमी युगल हैं, जो लव अफेयर रखते हैं, उनके लिए समय अनुकूल होगा। विवाह इत्यादि के परिणय सूत्र में वो बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी इस समय पर पति पत्नी के मध्य एक आपसी प्रेम का वातावरण आप देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र देवता स्वयं पंचम भाव पे आए हैं। शुक्र धन के कारक होते हैं, इससे आपके शेयर मार्केट संबंधी या लॉटरी सट्टा बाजार से जुड़ करके भी यदि आपका कोई कार्य है वहां से भी कोई लाभ और इनकम का एक सोर्स आपको दिला सकते हैं, यह बात कभी मत भूलिएगा। पराक्रम भाव के मालिक हैं आपके, इसलिए आपके पराक्रम इस टाइम पर अपने धन की प्राप्ति, अपने संतान के लिए, अपने जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता की वृद्धि के लिए इन सभी कार्यों पर आपको निहित होना पड़ेगा। इस अक्टूबर का महीना इतना सब कुछ आपको प्रभावित करने जा रहे हैं। बात यहीं से समाप्त नहीं होती, अब अगले ग्रह की बात करते हैं, शनि देवता की बात। ये शनि देवता आपके जीवन पर, ये 12वें घर पर चल रहे हैं और 12वें घर पर चल करके आपके जीवन पे आपने देखा 7.5 का आपके जीवन पर संचार भी हो गया, परंतु अभी कुछ ऐसा समय चल रहा है, मात्र अक्टूबर भर का समय रहेगा। इसी अक्टूबर के महीने में यही शनेश्वर जी महाराज वक्री अवस्था में आकर के आपके इनकम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार ये मान्यता ऐसी होती है कि कोई ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो एक भाव पीछे का प्रतिफल देते हैं, मतलब शनि देवता आपके 11वें भाव का प्रतिफल देंगे। 11वां घर मेरे लाभ का है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति का है, कैसे आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी। 4 नवंबर का वो डेट आएगा जब ये फिर से मार्गी हो जाएंगे, इसलिए एक महीने का वो समय है। निवेदन है आपसे, कहां कहां आप कार्य अटके हुए हैं, कहां कहां बाधाएं चल रही हैं, आप नियंत्रित कीजिए, करना तो आपको है भाई। ग्रह गोचर अनुकूल बैठे हुए, एक सीढ़ी यदि हमें मिल जाए तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, छत तक चढ़ सकते हैं। तो आपको सीढ़ी तो मिल गया है भगवान शनि के द्वारा, उन्होंने वक्री अवस्था में आकर के एक लाभ स्थान पर एक सीढ़ी दे दिया आपको, अब चढ़ करके उस मंजिल पर आप पहुंच जाइए बहुत शीघ्र अतिशीघ्र। सिर्फ यही अक्टूबर का महीना है, यही वो स्थान हो गया जहां मेरी इच्छाओं की पूर्ति होता है, यही वो स्थान हो गया जहां मेरे जो ड्रीम है, जो डिज़ायर है, वो सब फुलफिल होते हैं इसी टाइम पीरियड पर। ये सब कुछ आपको अक्टूबर में ही मिल सकता है। देखिए करोड़ों लोग हैं आप समझते हैं इस आपके मीन राशि के लिए, लेकिन जिसने अपनी आस्था को कायम रख लिया, जिसने अपने कर्तव्यों को जीवित रख लिया, वो निश्चय मानिए सफलता के चरम स्थान पर वो व्यक्ति पहुंच ही जाएगा। ये बात की आप निश्चितता को जान लीजिए, समझ लीजिए। अब समझते हैं राहु और केतु के प्रभाव को कि वास्तव में राहु केतु आपको कितना अच्छा, सबसे बड़ी बात हो गई ये राहु केतु अभी इसी अक्टूबर के महीने में आपके जीवन से जा भी रहे हैं। कैसे जाएंगे उसके बात को समझिएगा। राहु देवता पिछले 17 महीने से आपके धन भाव पर कुंडली मार के बैठे हैं और केतु देवता आपके अष्टम भाव पर हैं। अब धन भाव पर ये जब बैठे हैं, मतलब कि आर्थिक रूप से कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई पीड़ा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जिनके राशि पर है ये मंगल की राशि है, मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, दोनों एक संग हो जाए तो अंगारक योग बन जाता है। अब मंगल या के राशि पर राहु कैसे अच्छे प्रतिफल देंगे। दूसरे तरफ से जैसे ही गुरु देवता यहाँ पर आए, गुरु चांडाल नाम का एक कुयोग भी हमने अपने जीवन पर घटित होते हुए देखा। सबसे बड़ा इसका जो साइड इफेक्ट आपने देखा पिछले 17 महीने से, वो है आर्थिक तंगी। आर्थिक परेशानी सबसे बड़ा हमारा मुख्य कारण रहा। दूसरा कारण हो गया हमारे कौटुंबिक जीवन परेशानी, क्योंकि यही हमारा कुटुंब है। और दूसरा बात, यही स्थान आपके लग्नाधिपति गुरु हैं, इसलिए शारीरिक समस्या भी कई लोगों को इस समय पर फेस करने को मिला। अब राहु देवता अभी हो गए 1 डिग्री से भी इनकी कमजोर स्थिति आ गई है, मतलब ये बाल अवस्था में आ गए हैं। इसका मतलब राहु देवता अभी की स्थिति में वो मतलब एक छोटे से बच्चे के बराबर हो गए हैं। आप स्वतः विचार कीजिए, आपको एक छोटे से बच्चे से क्या भय हो सकता है। एक साल का कोई बच्चा है यदि, वो हमारे जीवन को क्या प्रभावित कर सकता है, ना हमारे जीवन को बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से राहु देवता भी 1 साल के बच्चे के बराबर बन गए हैं और ठीक 30 अक्टूबर का वो दिन आएगा जब यही राहु देवता हमेशा के लिए मतलब 18 साल के लिए आपके धन भाव को छोड़कर के लिए चले जाएंगे, फिर 18 साल बाद आएंगे। लेकिन अभी ये सोचिए कि जो आर्थिक परेशानियां, जो आर्थिक विषमता हमने झेला है पिछले 17 महीने से, उससे तो मुक्ति मिल जाएगी, उससे तो हमें परेशानी से सामना करने का अवसर मिल जाएगा। गुरु यहां पर मुक्त हो गए, मतलब गुरु मुक्त हो गए, मतलब मीन राशि स्वयं मुक्त हो गई, क्योंकि आपके राशि के अधिपति देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। सिर्फ यही नहीं, राहु के पास जो दृष्टि थी उसके अनुसार ये छठे भाव को भी प्रभावित कर रहे थे।
छठा भाव हमारे रोग का है, हमारे कर्जों का है, हमारे शत्रुओं का है। देख लीजिए आप कहीं ना कहीं पिछले 17 महीने से इससे जुड़ करके भी आपको कोई परेशानियां आई कि नहीं आई। कोर्ट केस संबंधी कार्य भी यही कराते हुए मिलेंगे आपको। नहीं चाहते भी हमें कर्जे लेने पड़े, और कर्जा तो चलिए भाई लेते हैं, हर व्यक्ति अपना अपने जीवन पर कोई ना कोई लोन, कोई ना कोई कर्जा लेता है, परंतु एक समय ऐसा आता है कि हम उसे चुका नहीं पाते। यही मानिए कि अब राहु देवता कमजोर स्थिति में इसी अक्टूबर महीने में चल रहे हैं। अक्टूबर महीना एक वरदान से कम नहीं होगा, और उसके बाद तो भाई ये स्वतः हम आपके धन भाव को छोड़ करके चले ही जाएंगे। इसके बाद इन्हीं राहु की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी पड़ रही थी, तो कर्म के स्थान में पड़ने के कारण कई प्रकार से हमें कार्यों में बाधाओं का हमने समन किया है, हमने अपने जीवन में देखा है, सामना किया है हमने कि जितने हम लायक हैं उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति न होना। 100 रुपये का हमने कार्य किया परंतु प्राप्त हुआ हमें 50 रुपये से हमें काम चलाना पड़ रहा है। समझिए कहीं ना कहीं राहु ने भी आपके जीवन को बाधित किया था। इस राहु से कैसे लाभ लिया जाए, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, पूर्व वीडियो आप देखिएगा उसमें करके, उसमें उस टाइटल था उसका अलविदा राहु, और आप देखिए कि कैसे आप उससे, इस राहु से भी आप लाभ ले सकते हैं, कैसे आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। यही अक्टूबर के महीने में बहुत सारे अच्छे और संजोग बचे हुए हैं, लेकिन सबके वृहद विश्लेषण पर जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में आपको बता देते हैं कौन कौन से अच्छी घटनाएं अभी और बची हुई हैं आपके इसी अक्टूबर के महीने में। जैसे कि ये 14 अक्टूबर तक का जो समय होगा, 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक के समय पर पितृपक्ष का सुंदर संजोग होगा। माना जाता है कि पितृपक्ष हमारे पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर संजोग होता है। जिस प्रकार से देवता हमारी रक्षा करते हैं, देवता हम पर कृपा करते हैं, देवता हम पर वरदान देते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सारे कार्य हमारे पितृगण भी करते हैं। इस समय पर जो द्वार पर आपके आए, जो याचक आपके द्वार पर आए, उसे खाली हाथ मत जाने दीजिए। पितरों को तर्पण कीजिए, पितरों का मान सम्मान कीजिए, और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई भाई, जो हमारे घर में साक्षात पितृ स्वरूप हैं, जो जीवित हैं, उनका सम्मान कीजिए। जीवन में कभी पितृ दोष नहीं आएगा, और ये पितर चाहें तो आपके जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं, बहुत संपन्न बना सकते हैं। इस समय पर मंदिरों पर जाकर कुछ दान पुण्य अर्पण कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, जो याचक हैं जिनको आवश्यकता है वस्त्र की, भोजन की या पैसे की, उनको यदि आपने आपको सामर्थ्यवान बनाया है उस परमात्मा ने, तो आप आगे बढ़कर उनका हित कीजिए। पर हित इस धर्म नहीं भाई, इस हिसाब से आप उनका हित कीजिए, आप धर्म से जुड़े रहेंगे, ये तो सदैव का आपका कर्तव्य है, क्योंकि मीन राशि सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनके स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति होते हैं, या उनकी महिला भी जो होती हैं, जो बृहस्पति, जो मीन राशि की महिलाएं भी होती हैं, ये इसी कारण से आप में आस्था की परिपूर्णता होती है, और एक न एक दिन भगवान आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। बस ये समझिए कि हमें वो पुकार, जिस दिन वो पुकार करने की वो सामर्थ्यता आ जाए, अगला क्षण अगला पल ही वो पल हो सकता है जो उनको आपके द्वारा आपके पास आपको भेज दें। अब इसी समय पर जैसे ही 14 अक्टूबर का समय समाप्त होगा, हाँ ठीक, 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर के मध्य में सुंदर एक समय माहौल आ जाएगा, मातृशक्ति आराधना का महापर्व नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्रि का वो समय होगा 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में, जिस दरमियान आप माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन में जब कोई नहीं आता तब वही आती है, माता ही आती हैं। जब आए कि एक पुत्र को जब बहुत पीड़ा होती है, एक पुत्र बहुत कष्ट में होता है, या उसकी पुत्री बहुत कष्ट में होती है, आप बार बार सारे संसार को बुलाते हैं, कोई नहीं आने वाला, लेकिन माँ को यदि बुलाएंगे तो वो माँ दौड़ करके आ जाती, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। कब उसे क्या देना है, कब उससे क्या लेना है, माँ जानती है। और इसी नवरात्रि के दिनों में उस शक्ति की आराधना कीजिए, उस जगदीश्वरी की आराधना कीजिए। शरणागत दीनार्था परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थना कीजिए कि हे माँ जगदीश्वरी, मेरे जीवन में इतने समस्याएं बनी हुई है माँ, मेरे जीवन में अमुक कष्ट बने हुए हैं, हे मातेश्वरी, आपके समान तत्समाह पापाग्नि नहीं, मेरे समान कोई पापी नहीं है माँ, और आपके समान कोई पापों का हरण करने वाला नहीं है। मत समापात की नास्ति पापाग्नि त्वत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे माँ जगदीश्वरी, ऐसा जानकर मेरे जीवन में जो उचित हो वो कार्य आप संपन्न कीजिए। ऐसी जब आपकी प्रार्थना पहुँचती है उस जगदीश्वरी के चरणों पर, एक क्षण भी वो विलम्ब नहीं लगाती। जब कोई नहीं आता, मेरी मैया आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। आपके भी काम वही मातेश्वरी आएगी। हालांकि इसके लिए एक बृहद वीडियो लेकर के आपके समक्ष ला करके प्रस्तुत आने वाले समय पर जरूर करेंगे।
अब जैसे ही ये समझ आएगा 24 तारीख का जो डेट होगा, इसी दिन विजयदशमी का शुभ संयोग बन रहा है, दशहरे का संयोग बनेगा। इस दशहरे के दिन भगवान श्री राम की पूजा करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की स्तुति कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सदैव कल्याणकारी आपके कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। अब जैसे ही 28 अक्टूबर का डेट आएगा, एक सुंदर संयोग और बनने जाएगा जिसे कहा जाएगा चंद्र ग्रहण योग। हालांकि इसे सुंदर संयोग तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हम बताएंगे आपको आने वाले वीडियो में कैसे इसी चंद्र ग्रहण के योग में आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारी माँ है, और चंद्रमा ही वो स्थान होता है, चंद्रमा के पास वो शक्ति होती है जो हमारे जीवन में बाधाओं को रोक पाए। कैसे इसी चंद्र ग्रहण के संयोग में आप अच्छे फल की प्राप्ति कर पाएंगे, इसके लिए एक वीडियो लेकर के हम आने वाले दिनों पर जरूर आएंगे, जब ये समय आएगा 28 अक्टूबर को है। ध्यान रखिएगा ये समय चंद्र ग्रहण योग से शांति के लिए, राहु शांति के लिए, केतु शांति के लिए, सभी के लिए उपयुक्त माना जाएगा। और तो और एक बात और समझ लीजिए, इसी अक्टूबर के महीने में एक सम सप्तक नाम का एक योग बनने जा रहा है, जो साल में 2-4 ही बनते हैं मुश्किल से, और इस साल में पहली बार शुक्र और शनि का आमना सामना होगा, अर्थात दोनों ग्रह अपने स्थान से 180 डिग्री के अंतराल में होंगे। इसको एक अच्छा योग माना जाएगा। क्या क्या आपको संभावनाएं मिलेंगी, आप ये समझिए कि शुक्र हमारा धन है और शनि हमारे कर्म है, इन दोनों का जब समावेश हो जाता है तो समझिए हमारा जीवन कितना उन्नत हो जाता है। इसके लिए भी एक बृहद वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। अब आप वो समझिए कि कौन सी वो तारीख होंगी जो आपके लिए शुभकारी, कल्याणकारी और सफलताकारी होगी, और कौन से वो तारीख होंगे जिस पर आपको सतर्क रहना होगा। तो शुभ तारीख हमने निकाल करके रखा है आपके लिए, आपके मीन राशि के अनुसार 3 अक्टूबर, 4, 22, 23, 26, 27, 30 और 31 अक्टूबर आपके लिए बेहद अनुकूल होगा, शुभ होगा, सफलताकारक होगा। इस तारीखों में आप कोई कार्य कर सकते हैं, ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरे ओर जहां पर आपको सतर्क रहना है इन तारीखों पर जो होंगी 5 अक्टूबर, 6, 7, 15, 16, 17, 24 और 25 अक्टूबर का जो डेट होगा, इसमें आपको सतर्कता से परिपूर्ण रहना है, कोई नवीन कार्य नहीं करना है, और हो सके तो इस दिन पर यदि कोई आवश्यक कार्य करना भी हो तो अपने इष्ट देव की कृपा लेते हुए, अपने गुरुदेव की कृपा लेते हुए आप उस कार्य को आगे बढ़ें। बहुत कुछ लेकर के ये अक्टूबर महीना आपके लिए आया है, ये समझिए कि किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वक्त है परिवर्तन का। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने ये कार्य किया है और आपने उसे सराहा है, एक आत्मबल की अभिवृद्धि होती है हमारे अंदर। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।